अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। यहां देखो क्या बोला है यहां पर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी क्यू इज इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल है यहां पर क्यू पे, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी गई है। अभी देखो क्या दिया है उन्होंने, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ये क्यू आर प्लस पी आर इन दोनों का एडिशन 25 है, लेकिन किसी एक का हमें मालूम नहीं है। तो सपोज इसका हमें मालूम नहीं है, तो हमने एक सेंटीमीटर अगर हमने सोचा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। अभी हम इसके हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइंड आउट करेंगे एक्स की वैल्यू, और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे साइन कॉस एंड टेन की वैल्यूज। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। क्या आता है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अभी पी आर का स्क्वायर कितना आएगा, 25 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अभी सॉल्व करो, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 2 इंटू 25, प्लस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा देखो, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और अभी कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25, ऐसे आया है। आप क्या करो, इस 50x को राइट हैंड भेजो और 25 को LHS मिलाओ। 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x, तो ये कितना आएगा, 600 इज इक्वल टू 50x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 600, इसको डिवाइड करो यहाँ पर, मतलब ये आएगा 5 1 5 5 2 0, राइट। अभी x की वैल्यू हमें तो मिल गई, कितनी आ गई है, 12 आई है, राइट। अब x इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसकी वैल्यू 12 आ गई, तो पी आर की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 13, है ना। उसके हिसाब से हमें साइन कॉस और टेन की वैल्यूज निकालनी है। मैंने अलग से यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर देखो अभी ये पी है ना, उसके रिस्पेक्ट में, तो साइन पी की वैल्यू क्या आएगी बोलो, यहाँ पर अपोजिट साइड जो कि है क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर। उसी तरीके से कॉस पी कितना आएगा, पी आर सॉरी पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर, पी क्यू बाय पी आर, है ना। तो क्यू आर कितना है, 12 डिवाइडेड बाय 13, ये आएगा 5 बाय 13, और बचा है अभी 10, 10 मतलब साइन बाय कॉस, मतलब 12 बाय 13 डिवाइडेड बाय 5 बाय 13, 13 कैंसिल, इसके वैल्यू आ गई आपकी 12 बाय 5। अभी लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन 1, ऐसा तो नहीं होता। टेन की वैल्यू अगर आप टेबल सीखोगे ना, तो उसमें बताया जाएगा कि टेन की वैल्यू लेस देन 1 ही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेटर देन 1 भी होती है उसकी वैल्यू। सेक ए इज इक्वल टू 12 बाय 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, राइट है, क्यों राइट है, क्योंकि उन्होंने जस्टिफाई भी करो बोला है ना। ये देखो ये हो गया फॉल्स, ये है ट्रू, क्यों है, क्योंकि सेक ए मतलब होता है
वन अपॉन कॉस ए, और कॉस की वैल्यू रहती है फ्रॉम 0 to 1, इसके बीच में वाली नंबर रहता है। और 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लो आप, तो उसके मतलब जो डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा ना, तो वैल्यू उसकी बड़ी हो जाती है, उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसीलिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। फिर क्या बोला है, कॉस ए इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। कोसेकेंट नहीं, कोसेकेंट ये फाल्स है, सेकेंट होता है, ये अलग के लिए है, लेकिन कॉस के लिए कोसाइन होता है, याद रखो। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, दिस इज रॉन्ग, मतलब ये फॉल्स है, ये प्रोडक्ट नहीं होता। देखो कॉट ये एक सिंगल वर्ड है, और ये जो है ये इसका एंगल होता है, मतलब इनका प्रोडक्ट नहीं है ये। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3/4 सम एंगल थीटा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है, तो साइन एंड कॉस की वैल्यू किस रेंज में होती है, 0 to 1 के बीच में होती है। तो 4/3 का आंसर का निकाल के देखो, अब ग्रेटर देन 1 आएगा, सो इट इज फॉल्स। ओके, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2। अब देखो ये एक्सरसाइज सीखने से पहले, ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी होने वाली है, अगर आपको इन सभी वैल्यूज, मतलब ये जो एंगल्स है ना, सभी एंगल की वैल्यूज अगर पता हो, तो आपको अच्छे तरीके से ये एग्जाम्पल बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा। क्या बोला है देखो यहाँ पर, इवेलुएट द फॉलोइंग, सबसे इम्पोर्टेंट ये है अभी। हाँ, इसमें ट्रिक तो कुछ है नहीं, बस एंगल एंगल की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं बता सकते अभी, है ना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट में कौन है, साइन 60 डिग्री। ये देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, बस हमें ना, अगर छोटी सी बात बोलूँ, तो बस हमें साइन और कॉस की वैल्यूज अगर पता है अप टू 90 डिग्री, तो आपको टैन कॉट इन सब की वैल्यूज पता कर सकते हो आप। जैसे कि चलो यहाँ पर मैं बता ही देती हूँ, साइन थीटा ये है एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90, और वही साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की होती है 1/√2, 60 की होगी √3/2 और 90 की होगी 1, राइट। बस, और कॉस की क्या होगी, कॉस की 0 की होती है 1 और 30 की होती है √3/2, और 45 डिग्री तो सेम ही होगा, 60 की होती है 1/2 और 90 की होती है 0। 0 एंड 90, साइन एंड कॉस एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। एंड 30 60 का अगर आप देखोगे, क्रॉस दिया गया है ना, ये आपको क्रॉस दिखेगा वैल्यूज। अब इनका यूज करके आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं हम। साइन 60, फर्स्ट है साइन 60 कितना है, √3/2 मल्टीप्लीकेशन, ये देखो हाँ इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन होता है। कॉस 30, कॉस 30 कितना है, √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 होता है 1/2 इंटू कॉस 60 भी होता है 1/2, समझ में आ रहा है। ये देखो √3, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल है, अच्छे तरीके से समझाते हैं। प्लस ब्रैकेट करना मत भूलो, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, है ना। तो ये √3 इंटू √3 हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। अभी देखो बेस सेम है, एक बार ही लिखेंगे, और ऊपर हो जाएगा एडिशन 4/4, मतलब इसका आंसर तो आपको मिल गया, तो इसका आंसर आ गया आपका 1। अभी सेकेंड वाला करते हैं, क्या है, 2 tan square। चलो यहाँ पर लिख लेंगे पहले, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। प्लस cos square 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। 2 इंटू tan 45 का स्क्वायर है, टेन स्क्वायर मतलब टेन 45 का स्क्वायर, और टेन 45 कितना होगा अभी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है निकालना, तो आप साइड में भी निकाल सकते हो।
45 कितना आएगा, साइन 45 जो कि है 1/√2, डिवाइड बाय कॉस 45 वो भी है 1/√2, ये सभी कैंसिल हो गया और टेन 45 कितना आ गया फिर आपके पास 1 आ गया है, तो उसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 कितना है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 कितना है, साइन 60 भी √3/2 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 2 + 3/4 - 3/4 ये कैंसिल हो गए, आंसर कितना आया इसका, इसका आंसर आ गया 2। थर्ड देखो क्या बोला है उन्होंने, ये यहां पर कॉस 45 जो कि है 1/√2 सेक 30। हाँ यहां पर हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, है ना, कैसे निकालोगे आप, सेक 30 मतलब 1/cos 30 और 1/cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मतलब 2/√3 आ जाएगा, तो 2/√3 प्लस कोसेक 30। अभी कोसेक मतलब 1/sin 30 है ना, और 1/sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका भी 1/2 का रेसिप्रोकल ले लो, 2/1 मतलब 2 ही आएगा यहाँ पर, 2/1। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, 1/√2 एंड होल डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 2 + √3/√3। सो अभी 1/√2 और ये अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ना यहाँ पर तो ये उल्टा हो जाएगा, आपको पता ही होगा, और यहाँ पर हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या रहेगा, 1+√3। तो बस इसका आंसर यही है, बाकी कुछ नहीं आएगा। अब नेक्स्ट है फोर्थ वाला, क्या है, साइन 30, यहाँ पर ही वैल्यू रख देंगे हम, साइन 30 कितना आएगा, 1/2। टेन 45 तो अभी हमने देखा 1 आता है, माइनस कोसेक 60 कितना आया था, साइन 60 का रेसिप्रोकल ऐसे भी आना चाहिए मतलब 2/√3 है ना, ये देखो साइन 60 यहाँ पर है, इसका रेसिप्रोकल लेना है बस, सेक 30 मतलब कॉस 30 का रेसिप्रोकल, और कॉस 30 आता है √3/2 का रेसिप्रोकल करो अभी, प्लस कॉस 60, कॉस 60 आएगा आपका 1/2 प्लस कॉट 45, कॉट 45 मतलब ये रह गया था मतलब 1/tan मतलब tan का रेसिप्रोकल, और tan 45 कितना होता है 1 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, बस इन दोनों का एडिशन कर सकते हैं हम, वो पहले करेंगे, क्या आएगा, हाफ प्लस 1, ये 1 + 2 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय, इनका भी एडिशन करो 2/√3 प्लस ये 2+1/2 कितना आया देखो, 3/2 - 2/√3 डिवाइडेड बाय, इसको पहले लिखते हैं कितना आएगा, 3/2 + 2/√3। अभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 3 √3 - 4 है ना, 3√3 - 4 डिवाइडेड बाय 2√3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी सेम आएगा बस खाली यहाँ आएगा एडिशन, अबे 2√3 हो जाएगा कैंसिल, क्या रह गया, 3√3 - 4 डिवाइडेड बाय 3√3 + 4। अभी हम इसका करेंगे रैशनलाइजेशन, अभी देखो रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, ये जो नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर में होती है ना, उसके उसके बीच में अगर प्लस साइन है ना, तो उसे एग्जैक्टली अपोजिट से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, जैसे कि 3√3 प्लस की जगह किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ, क्योंकि अगर आपने सिर्फ मल्टीप्लाई किया तो आप वैल्यू चेंज कर रहे हो मेन आपके एग्जाम्पल की, और वैसे नहीं करना आपको,
चलो तो फिर ये तो क्या आ गया, सेम है, ए माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर हो गया यहाँ पर, इसको हम ब्रैकेट वाला स्क्वायर कर देंगे। ये क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पहले करेंगे ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या है, थ्री का और रूट थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर आएगा नाइन और रूट थ्री का आएगा थ्री, माइनस बी स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर। अभी इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये देखो इस टर्म का स्क्वायर कितना आ गया, नाइन इंटू थ्री माइनस टू ए बी, टू ए की टर्म है थ्री रूट थ्री और बी की टर्म है फोर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16, ऊपर आएगा 27 माइनस, यहां देखो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 रूट 3 प्लस 16 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 11। सो इन दोनों का हम एडिशन कर सकते हैं, है ना, ये आएगा 3 और यहाँ ये मतलब 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइडेड बाय 11 और यही रहेगा आपका फाइनल आंसर, राइट। अब लास्ट वाला देखो, यहाँ पर क्या बोला है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 5 कॉस 60 होता है 1/2 और उसका स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30 डिग्री मतलब cos 30 का रेसिप्रोकल मतलब 2 बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस, और tan 45 तो 1 का होता है और 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 होता है रूट 3/2 उसका भी स्क्वायर करो, ये तो बहुत सिंपल है, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4, राइट। अभी देखो ये आएगा अच्छे तरीके से लिखेंगे, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 4/4, अब ये आना चाहिए, तो 4/4 कितना आ गया, 1 ही आ गया, मतलब डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वालों का एडिशन करेंगे हम अच्छे तरीके से, ये देखो 5/4 और इनका करेंगे सब्ट्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, 16 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3, सो 5/4 प्लस 13/3 अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 15 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 12, सो इसका आंसर आएगा 67/12। अब यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अभी देखो मतलब यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, फर्स्ट है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका आंसर निकालना है, सो tan 30 कितना आएगा, है ना, आप साइड में भी निकाल सकते हो, sin 30, sin 30 अपॉन cos 30 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड cos 30 की होती है रूट 3/2, टू टू कैंसल, सो इसका आंसर कितना आ गया, 1/√3, ओके स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो ये रही tan 30 और ये रहा उसका स्क्वायर, सो ऊपर कितना आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3, कितना आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4/3। अभी देखो इसको अच्छे से सॉल्व करना है आपको, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, 2/√3 ये कुछ ऐसा है डिवाइड बाय 4/3, इसको इसका रेसिप्रोकल ले लो आप, मतलब ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना, ये देखो 2 2 4 ये कुछ ऐसा आ गया, सो फाइनली आपका आंसर आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय 2√3। उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, वो कैसे,
थ्री को क्या लिख सकते हैं हम, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ये मत भूलो। अब यहां पर देखो, रूट थ्री इंटू रूट थ्री इसका मतलब ही होता है थ्री, समझ में आ रहा है। जैसे कि अंडर रूट थ्री इंटू थ्री करोगे तो ये क्या आएगा, बाहर थ्री आएगा। उसी तरीके से मतलब थ्री को ही मैं ऐसे लिख सकती हूँ, टू रूट थ्री, और ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ गया, रूट थ्री बाई टू। हमें मीनिंगफुल वैल्यू निकालनी होगी, बस ऐसे ही छोड़ के अगर आप चले जाओगे और यहाँ ऑप्शन चेक करोगे तो आपको आंसर नजर नहीं आएगा। आंसर क्या निकालना है, कोई तो मीनिंगफुल वैल्यू होनी चाहिए। अभी सोचो आप, रूट थ्री बाई टू वैल्यू किसकी होती है, ऑप्शन चेक करते हैं। कॉस 60 की, साइन 60 की तो होती है रूट थ्री बाई टू, कॉस 60 की कितनी होती है 1/2, साइन 30 की 1/2, और टेन 60 का तो सवाल ही नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ए। सेकेंड वाला देखो, यहां पर 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। टेन 45 मतलब मेरी फेवरेट वैल्यू है, जो कि 1 आती है, बहुत इजी लगता है याद रखने में। 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 1 माइनस 1 कितना, 0/2, और 0/2 का मीनिंग क्या होता है, 0 ही होता है। तो अभी साइन, अभी वैल्यू ऑप्शन क्या आएगा देखो, टेन नाइन्टी, टेन नाइन्टी इज इक्वल टू क्या आता है, साइन 90 डिग्री, मतलब इनडिफाइनेट होता है उसका आंसर। साइन 45 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आया, सो आंसर कितना आया आपका, 0। अभी ये देखो, यहाँ पर साइन 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू। अभी देखो, हमें ऑप्शन चेक करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा, हम ऐसे ही नहीं बोल सकते, है ना। LHS इज इक्वल टू RHS से प्रूव करना पड़ेगा, समझो। LHS इक्वल टू RHS हमें रखकर ही यहाँ आंसर प्रूव करना है। उसके लिए हमें वैल्यूज ऑप्शन में से लेके चेक करना पड़ेगा। पहले हम ले लेते हैं 0 0 डिग्री, तो LHS कितना है, साइन 2a। ओके, मतलब इसका जो आंसर है ना LHS का, वो आना चाहिए RHS के जैसा। सो 2 साइन ऑफ, ये दो, 2a मतलब एक ही एंगल है, समझ में आ रहा है। सो 2 इंटू 0 डिग्री, तो कितना आ गया, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का आंसर होता है 0। अभी RHS लो, 2 इंटू साइन a कितना है, 0 डिग्री। 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। सो फर्स्ट आंसर ही मैच कर रहा है, सो इसका आंसर आ जाएगा a। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से बोलूंगी, हम सेकेंड वाला ऑप्शन लेके प्रूव करते हैं क्या आंसर आएगा, ठीक है। हम 30 वैल्यू ले लेंगे। LHS कितना है, साइन ऑफ 2 इंटू, ये 30 डिग्री एंगल ही है, सो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी साइन 60 की। कितनी होती है साइन 60 की वैल्यू, रूट 3/2। अभी देखो, RHS जो कि है 2 इंटू साइन ए, साइन ए ए की वैल्यू कितनी है अभी, 30 डिग्री है, ये मत भूलो, 30 डिग्री। सो 2 इंटू, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इसका तो आंसर आ गया 1। सो क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं। सो ये मतलब बाकी के कौन से भी ऑप्शन नहीं आएंगे, कंफ्यूज मत हो, ऑप्शन चेक करके ही देखना पड़ेगा आपको। अब लास्ट देखो, यहां पर 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, साइन 30।
अपॉन कॉस 30, वो कितना आया था, रूट 3 आया था, डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, कितना आएगा, 2√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 3, राइट। सो 2√3 डिवाइडेड बाय, ये देखो जल्दबाजी महंगी पड़ गई, हमारी वैल्यू रॉन्ग हो गई। ये ओरल निकालने का नतीजा होता है, कुछ नहीं। तो फिर 10√30 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, हमने कितनी निकाली थी, 1√3 निकाली थी। सो 2 × 1√3 डिवाइड बाय 1 − 1√3 का स्क्वायर, है ना। सो इसका आंसर कितना आएगा, ये देखो ऊपर आएगा 2√3 और नीचे आएगा 1 − 1/3, क्योंकि स्क्वायर है। सो इसको अभी सॉल्व करो, 2√3 डिवाइडेड बाय, और इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 3 − 1/3, सो ये आएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 2/3, सो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर रहेगा 1√3 डिवाइडेड बाय 1/3। सो आप क्या कर सकते हो अभी, ये देखो 1√3 और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला था ये मीनिंगफुल वैल्यू नहीं है, तो आप 3 को क्या करोगे, √3 × √3 डिवाइडेड बाय √3 कैंसिल, सो इसका फाइनल आंसर आ गया √3। तो √3 किसका होगा, साइन का भी नहीं है, कॉस के भी, किसी भी एंगल का नहीं है √3। रहा कौन अभी, टैन, वो भी टैन 60 का आंसर होता है √3।